हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि जो मेरा भाई सिक्योरिटी एजेंसी शुरू करना चाहता है, शुरुआत में उन्हें कैसे मार्केटिंग करनी पड़ेगी, कैसे उन्होंने स्टाफ अपना मेंटेन रखना है, कैसे अपने खर्चे निकालने हैं और कैसे उसकी सिक्योरिटी एजेंसी को शुरुआत में एक अच्छे लेवल तक लेके जाना है। दोस्तों एक आपको एक्सपीरियंस दूंगा मेरा भी थोड़ा सा, और आपने कैसे काम करना है। दोस्तों जो मार्केटिंग का सबसे मेन बात है, दोस्तों मार्केटिंग अगर आपके पास बिजनेस होगा तो दोस्तों आप ऑफिस का रेंट भी टाइम पे दे सकते हो, आप स्टाफ भी हायर कर सकते हो, हर चीज़ टाइम पे कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों मैं प्राइवेट में ऑन ग्राउंड काम करता हूँ, मैं देखता हूँ दोस्तों जो चीज़ मैं देखता हूँ ऑन ग्राउंड वो, क्योंकि दोस्तों जो चीज़ मैं ऑन ग्राउंड देखता हूँ वही मैं आपको वीडियो में बोलता हूँ। सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर आपने सिक्योरिटी एजेंसी शुरू करनी है तो आपके अंदर दोस्तों स्किल होनी चाहिए मार्केटिंग की। अगर आपके अंदर मार्केटिंग की स्किल नहीं है तो आपने मार्केटिंग का बंदा हायर करना पड़ेगा दोस्तों, जिसकी सैलरी 25,000 से लेकर 50,000 रुपये के बीच में आपको देनी पड़ेगी, उसके स्किल के हिसाब से, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो दोस्तों शुरुआत में अगर आपने खुद मार्केटिंग करनी है तो दोस्तों मैं तो यही आपको बताऊंगा, जो भी मेरा भाई सिक्योरिटी एजेंसी शुरू करना चाहता है शुरुआत में खुद मार्केट में देखे कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है, कौन से स्टेट का मिनिमम वेजेस क्या है। क्योंकि दोस्तों जब भी आप कोटेशन बनाओगे, जब भी आप किसी के पास जाओगे अपनी कोटेशन लेके, तो वहाँ मिनिमम वेजेस देखा जाएगा कि मिनिमम वेजेस क्या है, उसके ऊपर आपका एक्सपीरियंस और कंप्लाइंसेस है दोस्तों, उसके बाद आपका सर्विस चार्ज है और भी दोस्तों आप चार्जिंग जोड़ के एक अच्छी खासी कोटेशन बना सकते हो। लेकिन दोस्तों कोटेशन आपकी वही मानी जाएगी जो आप कस्टमर के साथ मीटिंग करोगे तो जहाँ पर वो फाइनल होगा। तो दोस्तों ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है कि जब भी आप रेट वहाँ फाइनल करें तो मार्केट का सर्वे अवश्य कर ले दोस्तों, वहाँ पे देखें कि वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड यानी मेन पावर हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, सिक्योरिटी सुपरवाइजर हो, तो दोस्तों वहाँ पे मिलते हैं नहीं मिलते हैं, वहाँ पे सैलरी कितनी है, आसपास जो सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं कंपनियों में उनकी सैलरी कितनी है, कितने घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। और वहाँ पे दोस्तों किसी भी जुगाड़ करके आप ये पता लगा सकते हो कि यहाँ पर रेट क्या चला हुआ है, कंपनी कितने कितने पैसे दे रही है सिक्योरिटी कंपनियों को। ये भी दोस्तों आपको अंदर टैलेंट होना चाहिए इस चीज़ का कि आप कैसे उसका पता लगाएंगे। तो दोस्तों शुरुआत में यही बोलता हूँ, सबसे पहले अपने विजिटिंग कार्ड बनाए, आप अपने सिक्योरिटी एजेंसी का नाम रखे और GST नंबर ले, PFSI नंबर ले, पसारे के लिए अप्लाई करें। उसके बाद दोस्तों आप सिक्योरिटी एजेंसी शुरू करें। सिक्योरिटी एजेंसी की शुरुआत में दोस्तों आपको मार्केटिंग के लिए अपने विजिटिंग कार्ड दोस्तों वहाँ पे बांटने पड़े, जैसे सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड की रिक्वायरमेंट होती है, होटल में रिक्वायरमेंट होती है, क्लब में रिक्वायरमेंट होती है, रेस्टोरेंट में सिक्योरिटी गार्ड की रिक्वायरमेंट होती है, और किसी स्कूल में कॉलेज में चले जाए दोस्तों, यूनिवर्सिटी में चले जाए वहाँ सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, कंपनी में चले जाए, होटल में चले जाए आप, और किसी बड़ी से बड़ी फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन साइट पे, और उससे जितने भी मैरिज पैलेस है सब में सिक्योरिटी गार्ड, हाउसकीपिंग और मेन पावर की रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों। कि रियल एस्टेट ऑफिस में चले जाओ, वहाँ भी सिक्योरिटी स्टाफ पे हाउसकीपिंग की रिक्वायरमेंट होती है। मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों, आपके अंदर स्किल होनी चाहिए आप काम कैसे लेके आओगे। लेकिन दोस्तों यही बताता हूँ, आपने जो मार्केटिंग का मैं फार्मूला बताऊँगा कैसे बढ़ाए बिजनेस, तो दोस्तों आपने अपने विजिटिंग कार्ड बनवा लेने हैं, जो दोस्तों आपका परमानेंट नंबर वो नंबर उसके ऊपर लिखवाए, तो वहाँ जगह जगह दोस्तों दिन का डेली का एक रूटीन बनाए कि मैंने कम से कम 10 कस्टमरों के पास आज जाना है। दोस्तों जब आप 10 कस्टमर के पास जाओगे, मुझे यकीन है दोस्तों एक कस्टमर तो जरूर आपको रिस्पॉन्स देगा, लेकिन उसमें टाइम भी लग सकता है, कोई जरूरी कोई एक कस्टमर आपको रिस्पॉन्स देगा उसमें टाइम लग सकता है। आप 10 के 10 कस्टमर का फ़ोन नंबर अपनी डायरी रखें, डायरी में फ़ोन नंबर लिखें और टाइम टू टाइम उनके पास कॉल करें दोस्तों, अपनी सिक्योरिटी एजेंसी के बारे में बताएं, अपनी कंपनी प्रोफाइल के बारे में बताएं, अपने बारे में बताएं, अपनी सिक्योरिटी एजेंसी क्या क्या आप सर्विस प्रोवाइड करें उसके बारे में बताएं दोस्तों। ये सारी चीज़ दोस्तों मार्केटिंग में ही आती है। जो भी मेरा भाई टाइम टू टाइम के पास फ़ोन करे, हो सकता है कि आज नहीं तो नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट ईयर में आपको वहाँ का बिजनेस मिल सके दोस्तों। फिर नेक्स्ट दिन यही प्लान होता है दोस्तों, फिर नेक्स्ट दिन यही प्लान होता है, यानी डेली आपने 10 कस्टमरों के पास जाना है दोस्तों। अगर आप इस फार्मूले से काम करोगे, मैं यकीन दिलाता हूँ आपको, आपके 3 से 4 महीने में आपके पास कम से कम, जो मेरा भाई नया काम कर रहा है, 50 से सिक्योरिटी गार्ड की मेन पावर अवश्य होगी, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए दोस्तों मार्केटिंग का फार्मूला मैंने बताया है, और यही दोस्तों हाउसकीपिंग का है। आप दोस्तों मार्केटिंग के लिए भी बंदा रख सकते हो, कोई भी दोस्तों स्टाफ रख सकते हो मार्केटिंग के लिए, लेकिन दोस्तों उसको आपको सैलरी देनी पड़ेगी। हो सकता है कि बिजनेस आपके पास 2 से 3 महीने बाद आए, क्योंकि दोस्तों मैं क्या देखता हूँ आमतौर पर, जब कंपनी किसी मार्केटिंग पर्सन को रखती है तो उसके ऊपर दबाव बनता है, प्रेशर बनता है कि आज कहाँ कहाँ गए, आपकी लोकेशन बताओ,
कितने दिन आप काम, उसकी परफॉर्मेंस भी देखी जाती है। इसलिए दोस्तों आपके ऊपर भी प्रेशर रहता है सैलरी को लेके, भी अगर काम नहीं आया तो सैलरी कहाँ से दूंगा। इसलिए मेरी पर्सनल राय है दोस्तों, जो भी मेरा भाई सिक्योरिटी एजेंसी शुरू करना चाहता है, पहले स्वयं फील्ड में आए, स्वयं मार्केटिंग करे थोड़े बहुत दिन, महीना दो तीन महीने, जब आपकी कंपनी स्टेब्लिश हो जाती है तो आप दोस्तों फिर मार्केटिंग के लिए स्टाफ भी हायर कर सकते हो। ये थी दोस्तों छोटी सी वीडियो कि कंपनी में बिजनेस कैरियर कैसे बढ़ाए, मार्केटिंग कैसे करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। वंदे मातरम, जय हिंद।